देखते हैं, एक प्रॉब्लम आ रही है उसके बैग में। तो अपना बैग तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे रखा है ना, ये अपना बैग यहाँ पे है। बाइक की कंडीशन एकदम खुली है, हमने नाम लिखवाए थे यहाँ पे एम टी ब्लॉग फिल्म्स, एंड दिस इज़ अ न्यू ब्लॉगर, एंड इसका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। और हमारे पास ये दूसरी बाइक जो कि 125 cc, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं फोनिक्स की है, काफ़ी अच्छी बाइक है, मेरे से तो ज़्यादा ही तेज़ भागती है। और ड्राइवर हेलो तो कर दो यार, हाय हेलो, अभी इनको कुछ ज़्यादा है नहीं लेकिन ठीक। शकल देख रहे हो, ये शकल देख रहे हो इसकी। हेलो लवली पीपल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आप देख रहे हैं एम टी ब्लॉग फिल्म। और अभी टाइम हुआ है 10:55, हम जा रहे हैं आज कहीं ट्रेवल में घूमने, है ना। तो हम आपको दिखाते हैं जहाँ भी जा रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त प्रसून भाई, और एक गाड़ी और है जो कि पीछे है अभी। तो उसमें भी तीन लोग हैं, हम दो हैं, है ना। हमको निकले हुए होगा घर से करीब 10 से 15 मिनट। एक्चुअली जल्दी निकलना था लेकिन जो दूसरे हैं भाई उनके कारण थोड़ा लेट हो गया। अभी बाइक में प्रेशर भी चेक करवाना है, क्योंकि आई थिंक आगे वाले टायर में प्रेशर बहुत है कम, और हमारी बाइक में फ्यूल भी कम है। आगे हम चलेंगे, फ्यूल भी करवाएंगे, क्योंकि फ्यूलअप भी बहुत है कम, लगभग लगभग जीरो है। तो आगे देखते हैं 3-4 किलोमीटर पे यदि कहीं फ्यूल अप मिलता है तो करवाते हैं फ्यूल अप, है ना। और हमको निकलना था घर से 10 बजे, निकले हैं 11 बजे, थोड़ा एक्चुअली लेट हो गया, और जो हमारे दूसरे भाई हैं उनके कारण लेट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, 10:30 है, टाइम से निकले हैं। आज हम लगभग कवर करने वाले हैं 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना, लगभग 120 किलोमीटर है दोनों। ये रहा फ्यूल पंप, यहाँ से करवाते हैं फ्यूल अप, फिर मिलते हैं हम आपको आगे, है ना। हमने करवा लिया यहाँ पे फ्यूल अप, हो गया, और अब निकलते हैं हम आगे, है ना। अब बस बचा है और टायर में प्रेशर करवाने का काम, कहीं मिलती है दुकान तो करवाते हैं उसको, फिर इसके बाद सीधे चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और ये जो आगे आगे बाइक जा रही है ये हमारे भाई साहब, जिसकी वजह से आज हम पूरा पूरा 1 घंटा हुए लेट। और अभी तो हमने करा लिया फ्यूल अप, अब चलते, सॉरी फ्यूल अप नहीं, प्रेशर हमने करा लिया चेक, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारी गाड़ी एकदम रेडी, ओके। तो हमारे पीछे बैठे हैं प्रसून भाई, जो कि वो भी एक ब्लॉगर ही हैं, उनका चैनल का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, और उनका भी हमारा भी दोनों। तो हमने अभी तक कवर किए लगभग 20-25 किलोमीटर इज कम्प्लीटेड, एंड आगे चलेंगे, कुछ एडवेंचर होगा, एडवेंचर करेंगे, है ना, क्योंकि एडवेंचर में ही तो असली मज़ा है, दिखाएंगे बताएंगे। और क्या, और सब बढ़िया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ एक पिलियन है जो भी, वो भी पीछे बैठ कर ब्लॉग ही बना रहे हैं, है ना। मैं चैनल पे, चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आया, क्योंकि एक्चुअली हम कहीं गए नहीं थे, तो एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ इस रोड पे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि जब भी कोई नया राइडर आए या कोई पहली बार इस रूट में आता है तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कोई सेफ्टी के लिए रोलिंग वगैरह नहीं है। एक फ्यूल अप यहाँ पे है इंडियन ऑयल का,
लेकिन हमने फिल अप करवा चुका है, हमें कोई इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और टाइम हो रहा है 11:32 और सामने से आ रही घाटी, तो देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पे है ना। और आपको मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ अपनी इस बाइक की, सुपर स्प्लेंडर की। आपको कम रेंज की बाइक्स में जो सुपर बाइक्स हैं उन्हीं में आता है, मैं बात कर रहा हूँ क्विक शिफ्टर की, क्योंकि जो जितनी भी बड़ी गाड़ी आती हैं, सुपर बाइक्स आते हैं, क्विक शिफ्टर उनमें होता है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, इस बाइक में भी क्विक शिफ्टर है। अभी मेरी बाइक है फिफ्थ गियर है, सिक्स नहीं इसमें। तो मैं आपको गियर डाउन एंड अप करके दिखाता हूँ विदाउट क्लच। क्लच में मैंने हाथ नहीं रखा है और एक हाथ मेरा इधर एक्सीलेटर में है। तो अभी देखें, मैं पहले करता हूँ गियर डाउन। अभी फिफ्थ में मैं फोर्थ करता हूँ विदाउट क्लच, और ये हुआ फोर्थ एंड दिस इज द थ्री एंड अप करता हूँ अप। तो थ्री में मैंने किया फोर एंड ये किया मैंने फाइव, मतलब थर्ड गियर तक पूरा इसका क्विक शिफ्टर काम जैसे काम करता है। मतलब आप इसको गियर डाउन करो, अप करो, एवरीथिंग इज कूल, मतलब बहुत इजीली हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ये किया डाउन कर दिया, वही रहता है समर सीजन में भी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं और जो सामने एक बाइक जा रही है, हम जहाँ भी जा रहे हैं वो एक्चुअली एक टूरिज्म प्लेस है। वहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, है ना। वो लगभग मेरे यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर है ना। तो हम वहाँ जा रहे हैं, तो हम भी आपको दिखाएंगे वहाँ पे कैसा क्या है। बहुत बड़ा, मतलब पुराने ज़माने का ना, जो पिछली सदी थी, जो राजा महाराजाओं के ज़माने में किले हुए करते थे, वो एक किला है। आपने नाम सुना होगा कलिंजर का किला। तो वही है, हम वहीं जाएंगे और उसको आपको भी दिखाएंगे कैसा क्या है वहाँ की, क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या नहीं है, और क्यों आते हैं वहाँ पे लोग, इतना उसमें अट्रैक्शन क्यों है ना। तो वो सब हम आपको दिखाएंगे और वीडियो पे बने रहिएगा। देखते हैं, एक प्रॉब्लम आ रही है उसके बैग में। तो अपना बैग तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे रखा है ना, ये अपना बैग यहाँ पे है। बाइक की कंडीशन एकदम खुली है, आप देख सकते हैं। और बाइक एक्चुअली हम लोग धुलवाए नहीं थे, चले आए थे ऐसे ही, तो काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट वगैरह लगी है ना ये यहाँ पे। और कैसा लग रहा है, हमने नाम लिखवाए थे यहाँ पे एम टी ब्लॉग फिल्म्स, और आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी कूल एंड दिस इज़ अ न्यू ब्लॉगर। एंड इसका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। और मैं ये बोला था कि ये बैग को ठीक है बैग आया